चीनी से बना हुआ ये स्क्रब आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, साथ ही आपकी स्किन को दाग धब्बों से रखेगा दूर और आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को रिमूव करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस शुगर स्क्रब को बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है आधा कप चीनी, जिसे मैंने मिक्सी में दरदरा पीस लिया था, तो मैं इसे ऐड कर दूंगी एक बोल में। और फिर इसके बाद में मैं यहाँ पर ऐड करूंगी एक चौथाई कप कोकोनट ऑयल, 1/4 कप। अब मैं यहाँ पर ऐड करूंगी एक नींबू का रस, और फिर इसके बाद में मैं इसे एक विस्कर की हेल्प से अच्छे से मिक्स करूंगी। तो मैंने इन दोनों को कर लिया है बहुत ही अच्छे से मिक्स। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर ऐड करूंगी पिंक कलर की डाई। मैं इसे इसलिए यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ताकि जो हमारा स्क्रब है वो काफी अट्रैक्टिव लगे, जैसे हमें मार्केट में मिलते हैं उस तरीके से। आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। इसे ऐड करने के बाद मैं कर लूंगी इसे अच्छे से मिक्स। अब मैंने कर लिया है इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स, और इसके बाद में मैं यहाँ पर लास्ट में ऐड करूंगी पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल की 10 से 15 बूंदें। आप चाहो तो इसकी जगह पर लेमन एसेंशियल ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हो। और फिर इसके बाद में इसे कर लीजिए अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद में जो हमारा स्क्रब है वो हो जाएगा बनकर तैयार। तो बस हमारा स्क्रब तैयार है, हम इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में फिल करके रख लेंगे। ये स्क्रब आपका महीनों तक चलने वाला है, खराब नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर कर लिया है इसे एक इस तरीके के एक कंटेनर में। इस स्क्रब को आपको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप इस स्क्रब को पूरे फेस और नेक पर अच्छे से अप्लाई कर लें। पूरे फेस और नेक पर इसे अप्लाई करने के बाद में आप इसके साथ में स्क्रब करना स्टार्ट करें। स्क्रब आप केवल 2 से 3 मिनट के लिए हल्के हाथ से करें। ये स्क्रब आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, आपके फेस से जो ओपन पोर्स में गंदगी है उसे साफ करेगा, आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को रिमूव करेगा, आपके फेस का अगर कलर इवन नहीं है तो उसे इवन करेगा, साथ ही आपकी स्किन को बनाएगा ग्लोइंग। इसे 2 से 3 मिनट करने के बाद में आप अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए और आप देखेंगे कि जो आपका फेस है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है और एक ग्लो आ गया है। अगर आप इसे लगातार करते हैं तो सच में आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और साफ दिखने लगेगी। आप इस स्क्रब को एक बार ज़रूर बनाकर देखें। अगर आप बनाते हैं तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।